बुद्धा डिग्री कॉलेज, बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बुद्धा पैरा मेडिकल कॉलेज व बुद्धा आईटीआई कॉलेज व बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के इस प्रांगण में आयोजित बुद्ध से कबीर तक यात्रा का आज ये पड़ाव पहला दिन या यूं कह सकते हैं कि आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मैं सबसे पहले बुद्ध से कबीर तक परिवार के सभी सदस्यों को यथा योग अभिवादन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ और मेजबानी करने का मुझे जो सौभाग्य मिल रहा है इसके लिए धन्यवाद करता हुआ आप सब के आगमन पर मैं दिल की असीम गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ इस चीज का कि आप सबका आगमन इस संस्थान में हुआ और हम सब इस चीज से धन्य हुए। दूसरा, मेरे सामने बैठे हुए वो भारत के भावी कर्णधार जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कलाम बनेंगे, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक बड़े वैज्ञानिक भी बनेंगे, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं देश की दिशा व दशा को सुधारने के लिए अपना समर्पण, अपना सहयोग व अपना सर्वस्व प्रदान करेंगे, वो सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई व शुभकामना देता हूँ। इस कार्यक्रम में आपका आगमन, इस कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व जिन लोगों को स्थान नहीं मिला उनके लिए भी मैं भी यही कहूँगा कि 5 मिनट आप और रुकें, आप युवा हैं, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा धैर्य भी रखेंगे जिस तरह से रखा है आपने, आपके लिए सिटी का अरेंजमेंट हो रहा है, आपको वहाँ बैठने की समुचित व्यवस्था दी जाएगी। सर आप आइए, आप लोग खड़े करें, सर आप तो हमारे टीचर हैं, आप आइए आगे आइए, सुपर जाइए, बैठो बैठो बैठो, सबसे पहले हम सब के लिए सर्वोपरि हमारी भारत माँ है, इनके जय घोष के साथ में इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दोस्तों जब आप इस प्रांगण में पहुंचे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि यहां पर लिखा हुआ है बुद्ध से कबीर तक। सारा मार्केट सब लोगों के बैठने की व्यवस्था करवा दो, नहीं तो कुर्सी आगे रखवा दो, इस साइड में रखवा दो। आपने इस प्रांगण में जैसे ही प्रवेश किया होगा और वहां देखा होगा बुद्ध से कबीर तक, आखिर ये है क्या? आपके दिमाग में प्रश्न बहुत सारे आए होंगे कि ये बुद्ध से कबीर तक क्या है। इस पूरे पूर्वांचल की माटी की पहचान कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से है, उनमें से एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं अपने अनुसार कह सकता हूँ वो बुद्ध है और एक तरफ कबीर है। बुद्ध और कबीर एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप जात में नहीं बांध सकते, ना ही उनके पीछे आप हिंदू लगा सकते हैं, ना ही आप उनके पीछे मुस्लिम लगा सकते हैं, ना ही उनके पीछे सिख लगा सकते हैं और ना ही उनके पीछे आप ईसाई लगा सकते हैं। बेटा वो सब बैठ जाएंगे इतनी जगह, आप इसकी चिंता न करें, सबको सम्मान के साथ बैठा दिया गया। आप सीधे कार्यक्रम में जुड़िए, इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सबसे पहले मैं यही कहना चाह रहा था कि बुद्ध और कबीर एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप किसी धर्म जात के बंधन में नहीं बांध सकते, ना ही वो हिंदू है, ना ही मुस्लिम है, ना ही वो सिख है और ना ही वो ईसाई है। इसलिए सबसे पहले बुद्ध के लिए अगर हम ये महसूस करते हैं तो बुद्ध है क्या? बुद्ध वो शख्सियत है जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया। आज विश्व के अनेकों देश कहीं ना कहीं बुद्ध के सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं और बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। कबीर वो शख्सियत है जिनके अंदर सच कहने की हिम्मत है। अगर वो मुगल काल में ये खड़े होकर बनारस में कह सकते हैं कि काठर पाटर जोड़कर मस्जिद दिया बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या पहरा हुआ खुदा है, अगर वो मुस्लिम को यह कहने की हिम्मत रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हिंदू को भी यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे चक्की है भली जिसका पीसा खाए संसार। इसका मतलब वो मुस्लिम को भी उतनी ही बात कहते हैं और मुस्लिम के साथ साथ हिंदू को भी उतनी ही बात कहते हैं और सच कहने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे शख्सियत है कबीर। शायद हम उनके बताए हुए रास्तों पर अभी
उस व्यवस्था के या अपने उनके बताए हुए मार्गों पर हम नहीं चल रहे हैं, अन्यथा सच कहने की हिम्मत हम सब में भी हो सके। हालांकि आज के दिन एक व्यवस्था चाटकारों की भी चल रखी है, जो अपने अपने ढंग से उनको इंटरप्रिटेशन करते हैं, चाटकारिता करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि हमें सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए और सच कहने का क्षमता भी होनी चाहिए। साथ साथ में दोस्तों, पिछले 7 वर्षों से ये बुद्ध से कबीर तक की यात्रा कराने का और चलने का माध्यम सिर्फ केवल एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे प्रदेश में और इस पूरे देश में बुद्ध और कबीर के बताए हुए मार्ग पर हम सब चलें, निसंदेह चलने के साथ साथ उसका अनुकरण भी करें, ताकि आने वाले दिनों में हम शांति के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकें और शांति के साथ में, इस व्यवस्था के साथ में हम अपने आप को और अपने परिवार के साथ अपने पूरे देश में, जिसमें यहाँ पर हम विराजमान और विचलित स्थापित हो सके। साथ साथ में दोस्तों, एक व्यवस्था और भी चल रही है कि इस पूरी व्यवस्था जो बुद्ध से कबीर तक है, इसके संरक्षक के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार जी बल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनुराधा जी बल, उनके छोटे भाई श्री सुनील कुमार जी बल इस व्यवस्था और इस पूरी यात्रा के हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। थोड़ी व्यस्तता की वजह से वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। विनोद कुमार जी मल डीजीपी गुजरात व अनुराधा मल जी अपर मुख्य सचिव आईएएस गुजरात और उनके जो छोटे भाई सुनील कुमार जी मल वो आईआरएस जो मुंबई में कस्टम कमिश्नर हैं, थोड़ी व्यस्तता की वजह से इस कार्यक्रम में आज नहीं आ पाए, अन्यथा हमेशा हर बार उनका इस कार्यक्रम में आगमन होता रहता है। दोस्तों, इस पूरे बुद्ध से कबीर तक के बीच में हमारे अपने साथी शैलेंद्र कबीर जी ने आदित्य जो मेरा छोटा भाई तरीके से है, छोटा भाई ही है वो, उसके पूरे ग्रुप ने बहुत अच्छे बैंड पर अपनी धुन के साथ में गीत प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर हम सब लोगों को प्रस्तुति भी अपनी देंगे, उसको भी आप सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि वास्तव में ये चीज़ जो वो कहना चाह रहे हैं उसका कितना गहरा प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ता है। एक साथ में और भी बात कहना चाहूँगा कि ये बुद्ध से कबीर तक की जो व्यवस्था है या यात्रा है, किसी भी तरह से कोई भी इसमें कोई धार्मिक यात्रा ना ही किसी तरह की कोई ये राजनीतिक यात्रा है। सिर्फ और सिर्फ केवल ये यात्रा वो है जिसमें आदमी से आदमी को जोड़ना है, आदमी से आदमी का स्नेह हो, आदमी शांति व्यवस्था के साथ में रह सके, इसका पाठ पढ़ाया जाए और इसके हम विचारों का लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर सके, प्रचारित कर सके, केवल एक ये हम लोगों का इतना लक्ष्य है। बुद्ध से कबीर तक की यात्रा के दौरान मेरा यह जो कह सकता हूँ इस बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये सौभाग्य रहा है कि सदैव इस बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इस यात्रा का आगमन हुआ है, यात्रा का स्वागत करने का, यात्रा के स्वागत के साथ साथ हमें आपकी मेजबानी और आपका सम्मान करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। निसंदेह ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और मैं इस यात्रा से जुड़े हुए सभी संयोजक व अन्य लोगों से अनुरोध करता रहूँगा कि ये उत्पत्ति से कबीर तक की यात्रा हमेशा चलती रहे और चलने के साथ साथ में इसका एक पड़ाव बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जैसे पहले हमेशा चलता रहा है वैसे आगे भी चलता रहे, ये हमारा निवेदन हमेशा अपने पास रखिएगा, उस निवेदन को आप स्वीकार भी करते रहिएगा, मानते रहिएगा, ताकि हमारे यहाँ आंगन में आपका आगमन सदैव होता रहे। दोस्तों, एक बात मेरे मन में बहुत दिन से कहने की अपेक्षा थी, तो इच्छा थी जो मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ कि बुद्ध से कबीर तक को जब आप जानेंगे, इससे संबंधित बहुत सारे लिटरेचर आज अपनी लाइब्रेरी में शैलेंद्र कबीर जी व बुद्ध से कबीर तक के जो संयोजक हैं व जो पदाधिकारी हैं वो अपने बुद्धा की लाइब्रेरी में बुक्स प्रोवाइड करेंगे। आप बुक्स को जरूर अध्ययन कीजिएगा, बुक्स को अध्ययन करने के पश्चात आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी और बहुत सारी गलत फहमियों से भी आप कहीं ना कहीं दूर होंगे। एक बात दिमाग में और रखिएगा कि जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बताया हुआ हर व्हाट्सएप या हर समाचार बिल्कुल सही नहीं होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो बताए गए शब्द होते हैं या बताए गए मैसेज होते हैं ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट किए जाते हैं और मैनिपुलेट करने के बाद आपके मस्तिष्क में बैठ जाए ऐसी बातों को बार 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 पंच किया जाता है। एक के द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर दूसरे के द्वारा, फिर तीसरे के द्वारा, फिर चौथे के द्वारा,
फॉरवर्डेड मेनी टाइम होते होते सैकड़ों बार वही मैसेज आपके पास आता है और झूठ को एक नहीं 100 बार जब बोला जाता है तो कहीं ना कहीं वो झूठ सच लगने लगता है। इसलिए ये व्हाट्सएप यूनिटी का जो मैसेज होता है ये बिल्कुल सही भी नहीं होता है। इसलिए इसके लिए जो इसकी सत्यता को 100% आप कतई मत आंकिएगा, 100% कतई मत मानिएगा। बहुत सारे आपके मन में विचार बदल जाते हैं व्हाट्सएप यूनिटी के कारण, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिटी को चलाने वाला एक आईटी सेल होता है। हर एक का अपना अपना आईटी सेल है जो उसी ढंग से अपने विचारों के अनुसार उन सारी चीजों को इंटरप्रिटेशन करते हुए आप तक फॉरवर्ड करता है और धीरे धीरे वो झूठ आपके दिमाग में बैठ जाता है और उसको आप सही मानने लगते हैं। एक बार मुझे बहस में एक जगह बुलाया गया था, एक कार्यक्रम के दौरान मेरा लेक्चर था और मुझसे कहा गया कि आप महात्मा गांधी पर कुछ बोलिए। महात्मा गांधी के लिए बहुत सारी चीजें इस समय व्हाट्सएप यूनिटी पर चल रही हैं कि महात्मा गांधी ने भारत का विभाजन करा दिया, महात्मा गांधी ने ही पाकिस्तान का उद्गम करा दिया, महात्मा गांधी ही विभाजन के कारण थे। बहुत सारी चीजें उनके विषय में कही जा रही थी। मैंने केवल से 2 मिनट का समय मांगा और उनसे अपनी बात मैंने कही, आपके महात्मा गांधी जी को अगर आप कितना जानते हैं बस मुझे इतना बता दीजिए कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे। हमें मोबाइल अपना सामने रख दीजिए, गूगल बाबा को सर्च मत कीजिएगा, सिंपल से मुझे केवल बता दीजिए कि महात्मा गांधी को अगर आप इतना ही जानते हैं तो मुझे केवल इतना बता दीजिए कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे। जितने लोग बैठे थे वो संख्या तक नहीं बता पाए। मैंने बताया महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। अब मैं कहता हूँ जब आपको यही नहीं पता कि उनके कितने पुत्र थे, कितनी संतानें थी, तो उनके नाम क्या थे आप वो भी नहीं बता पाओगे, वो भी नहीं बता पाए। हमें महात्मा गांधी के पुत्र उनके करते क्या थे, उनका राजनीति में, व्यापार में किन चीज में योगदान था, प्रशासनिक सेवाओं में किसमें योगदान था, आप मुझे उन्हीं के लिए बता दो, उनके विषय में भी नहीं बता सके। तो हमको जब आप महात्मा गांधी के बच्चों के लिए नहीं जानते हो, उनके नाम नहीं जानते हो, उनके कार्यों के विषय में नहीं जानते हो, तो आप महात्मा गांधी के लिए ये कैसे कह सकते हो कि महात्मा गांधी ने अपने फायदे के लिए कर लिए। तो उनको क्या फायदा मिल गया, हमें केवल इतना बताइए कि उनको उस चीज से क्या लाभ मिल गया। एक महात्मा गांधी के परपौत्र हैं तुषार गांधी, उनके अलावा मेरी ख्याल से महात्मा गांधी के कौन परिवार के वंशज हैं उनको आप तक नहीं जानते होंगे। महात्मा गांधी के परिवार के लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस सेवाओं में हैं, किस राजनीति में हैं, नहीं हैं, किस व्यापार में हैं, उद्योग जगत में हैं, नहीं हैं, इनके विषय में कुछ नहीं जानते। सिर्फ कहने के लिए कह दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू ये थे, जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ महात्मा गांधी ये थे। आप कहने को कुछ भी कह सकते हो, जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत को हम शब्दों में खुली ना तोड़ सकते हैं। सर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो हिंदुस्तान कुछ और होता। अरे भाई आप जवाहरलाल नेहरू की जहाँ तक बात कर रहे हो तो मुझे एक सिंपल सी बात याद आ रही है कि सरोवर बांध की स्थापना ही कुल मिला के जवाहरलाल नेहरू जी ने की। आज इसके ऊपर बहुत बड़ी मूर्ति हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वो सरोवर जो अगर बना हुआ वो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी स्थापना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर सबसे पहले सम्मान दिया गया तो सरदार सरोवर बना तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया। अब हम किसी चीज को हमारे शब्दों में अगर ये आने शुरू हो जाता है कि हम महात्मा गांधी का पक्ष ले रहे हैं तो हम भारत विरोधी भी हो सकते हैं। कुछ लोग के द्वारा सुखान लोग के द्वारा हमें ये कहा जा सकता है अरे भाई ये तो महात्मा गांधी का सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये पाकिस्तान जो बना है इसका समर्थन कर रहा है, समर्थन है। तो मेरा मानना इन चीज़ों से नहीं, आप उनके किए गए कार्यों को देखिए। 50 सालों तक 45 सालों तक उन्होंने आज़ादी की लड़ाई ली, फिर उन्होंने कभी हिंसा नहीं की। अब उन्होंने कहा कि अरे भाई ये बताइए कुछ चरखा चलाने से आज़ादी मिल गई क्या। जब बहुत बड़े आंदोलन को आपको चलाना होता है तो उसमें हिंसा अगर आ जाती है तो हिंसा होने के कारण वो आंदोलन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, ये सरकार उसको उखाड़ देती है। इसलिए जब तक अहिंसा रहेगी आपका आंदोलन चलता रहेगा, हिंसा आ जाने के बाद वो आंदोलन बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इसलिए आंदोलन को अगर लंबा चलाना है और आंदोलन को प्रभावशाली बनाना है तो आपको अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो हम कम शब्दों में ये केवल चीज़ों को कह सकते हैं कि महात्मा गांधी हो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, उनको इस व्हाट्सएप यूनिटी के दिए गए खोखले ज्ञान से हमको खारिज नहीं कर सकते, उनको समाप्त नहीं कर सकते। उनका योगदान अतुलनीय था, अतुलनीय है और अतुलनीय रहेगा। ठीक उसी हिसाब से हमारे पूर्वज के रूप में जिस हिसाब से स्वामी विवेकानंद का, महात्मा बुद्ध का, गुरु नानक जी का और हमारे कबीर जी का जो योगदान है उस योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम सब उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और मेरा ये भी सौभाग्य है कि बुद्ध से कबीर तक की यात्रा के दौरान उन सब लोगों को याद करने का, उनको नमन करने का, उनको विचार पर अपने
उनके विचार सुनने का एक बहुत बड़ा कारण हम सब लोगों के लिए होता है ये यात्रा। और ये यात्रा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जन्मों जन्मांतर तक चलती रहे और कभी भी ये यात्रा बाधित ना हो और बंद ना हो। लगता तो ज्यादा ही बोल गया हूँ, हालांकि आज बोलने का जो आज का दिन है, बोलने के लिए हमारे बीच में श्री अखिलेश जी सांडियाल जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं, और श्री मनोज कुमार सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं यूनेस्को से, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं और हम सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन्हें सुनने को काफ़ी हैं, साथ साथ में आदित्य व उनकी टीम की जो प्रस्तुति है उसको सुनने के लिए बेताब है। आज सारे कार्यक्रमों को लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे का ये कार्यक्रम, इस पूरे कार्यक्रम को हम सब सुनेंगे, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में इन्वॉल्व होंगे और आपको इसी के बीच में रिफ्रेशमेंट यहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आप इसका उपयोग भी करेंगे। शांति व्यवस्था के साथ में इस पूरे कार्यक्रम को सुनेंगे और साथ साथ में केवल मात्र सुनेंगे नहीं, सुनने के साथ जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उसका अनुकरण भी करेंगे और अनुकरण करने के साथ साथ लोगों को इसके विषय अवगत भी कराएंगे। आप सबकी उपस्थिति को एक बार मैं पुनः प्रणाम करते हुए आप सभी छात्र और छात्राओं को शुभकामना देता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम में आप तन्मयता के साथ बने रहिए और इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। एक जो बात आपने बताई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी और बहुत सारी टेक न्यूज को लेकर के बातचीत होती रहती है और हम सभी इससे पीड़ित हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करते हैं, आपको नहीं पता है कि उससे किसी एक व्यक्ति की, किसी एक समाज की छवि खराब होती है और उसका जीवन बदल देता है और बुरी तरह से प्रभाव उनके जीवन पे प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। बुद्ध ने भी कहा था कि अपदीप भव, उन्होंने कहा कि अपने आप को स्वयं प्रकाशित करिए, अपने आप से, अपने ज्ञान से आप खुद रिसर्च करिए कि कोई भी चीज़ हो रही है तो क्या सच है, क्या गलत है, फिर इसे आगे भेजिए। और कबीर ने भी यही कहा कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाँ। वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी समाज में वो जो देखते थे उसके ऊपर वो कटाक्ष करते थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई आखर प्रेम के बारे में हम बात करेंगे। भाई आखर प्रेम का कार्यक्रम का जैसा कि नाम है ये, इसके बारे में हम बताएंगे कि हम जो उद्देश्य लेकर के चले हैं, प्रेम का उद्देश्य है और जो यात्रा हम करते हैं वो जीवन की यात्रा है। इस जीवन की यात्रा में हम सभी से जुड़ते हैं, हर एक वर्ग से, हर एक धर्म से, हर एक संप्रदाय से, हर तबके के लोगों से, पुरुषों से, महिलाओं से और भी जितने लोग हैं यहाँ पे, सबसे जुड़ने की बात करते हैं। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ज़्यादा बात ना करके आपको कार्यक्रम के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री हम दिखाने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बुद्ध से कबीर तक, जैसा कि आप थोड़ा बहुत जान भी गए होंगे, है क्या। और उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से काम करते हैं, हमारी संस्था किस तरह से काम करती है और किस फॉर्म को लेकर के हम इस जन आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा श्री शैलेंद्र कबीर जी से और गोविंद जी से कि आपके समक्ष बुद्ध से कबीर तक के माध्यम से बनाई गई ये डॉक्यूमेंट्री जो आपको पूरा ब्रीफ देगी कि हम किस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी के समक्ष बुद्ध से कबीर तक डॉक्यूमेंट्री।